देख मैंने अलमारी की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी थी, माँ के नहीं चल रहा। पारुल बेटा तो उधर ही रही हो, मैं ऊपर देख कर आती हूँ। दीदी के कहने लगे अलमारी इधर ही रहना, ठीक है मैं। ऋषभ कहाँ जा रहे स्कूटी लेकर? बेटा इधर जरा, इन पैसों के ना खुले पैसे करवाया दस के पंडित जी मंगवा रहे, और ना फटाफट आइयो। यहाँ पे सब अच्छे से खाना खा लिया ना, कोई कमी तो नहीं लगी? स्वाद वाद सब ठीक था ना? दीदी आपके लिए बिना प्याज वाला खाना मैंने बनवा दिया। नहीं नहीं आप यहीं बैठे रहो, मैं भिजवाती हूँ। शिल्पी को क्या हुआ, ऐसे क्यों लेटी पड़ी है? ठंड घुस गई इसको, कल ही सारे बच्चे बिना स्वेटर पहने पूरी रात भर छत पर बैठे हुए थे ना। देख नहीं चल, अब तू कुछ मत कह इसको, कोई बात नहीं मैं उसके लिए दवाई भिजवा देती हूँ। देख फिर तो शाम तक उसके चल गए। अरे अभी तो बस एक ही हाथ में मेहंदी लगी थी, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। दिखा हाथ दिखा, हाँ बहुत सुंदर लगे। ले जब तक दूध पी। देखो बोल रही मैं यहाँ आई क्यों थी? अरे भाभी तो बहुत अच्छा नाचती, देखो कैसे कोने में बैठी हुई है। आओ जल्दी आओ, करो करो आप लोग करो। भाभी आप यहीं बैठे हो ना, जरा मेरा बैग पकड़ लो, इसमें पैसे लगे हुए, मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ बाहर, है ना। हाँ बस अच्छे से शादी हो जाए माता रानी की कृपा से। दीदी मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही है, बेटा जरा एक गिलास पानी दियो। ये रहती थी घर में तो पूरे घर में रौनक लगी रहती थी, अब चली जाएगी तो पूरा घर सोना लगेगा। मम्मी आफत से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे कहते दीदी के लिए हो गई ना सबको जगह। अरे बच्चे बच्चे सारे पड़ोस के यहाँ चले जाते, उनका ऊपर वाला कमरा खाली है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। आओ मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, आओ चलो।